Hello friends, I am Nikhil Maheshwari and today we are going to start with your CS Executive Group 1 subject called Jurisprudence, Interpretation and General Law. In that subject we are going to start your one of the act, that is Right to Information Act 2005. So without wasting the time, let's understand that is what is Right to Information Act, Right to Information Act, hai kya cheez. Okay. Before understanding Right to Information Act, understand the need of Right to Information Act in India. India ke andar iski jarurat kyun aayi? Let's understand that. See, as we already know, India is the largest democracy. India is the largest democracy and we have voted to our leaders and we have given votes to our government and they have been elected. We have given the power to the government. Right? In that case, it is the duty of the government to provide the transparency and promote accountability of those leaders, to let us understand that where they are using our hard-earned paid tax money, hamara tax ka paisa jo humne itni mehnat se kama ke government ko diya hai, government us paise ko kahan use kar rahi hai, ye hamara right hai janna. I hope you understand what is right word over here now. Now, ye cheez hamare paas available nahi thi pehle. कि आप किसी भी अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिल जाए. पीपल यूज टू से नहीं, वहां पर गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर होते थे सर नहीं मिलेगी, या आपको चक्कर काटने पड़ते थे. इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज गिवन यू द राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपको राइट दिए. आर्टिकल 19 एंड 21, आर्टिकल 19 एंड 21 ने हमें यह बोला दैट आपके पास एक राइट है, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम है आपके पास. राइट ऑफ फ्रीडम गिवन है 19 एंड 21 में, जिसमें आपको बोलने का अधिकार दिया, ओपिनियन बना के आप बोल सकते हो. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. इफ अ टीचर इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन इन द क्लास, विल यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, इफ यू डोंट हैव एनी डेटा, इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट क्वेश्चन. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस क्वेश्चन की, तो क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे क्लास में? सो इट्स नॉट पॉसिबल. सिमिलरली, वन साइड गवर्नमेंट इज सेइंग यू हैव अ राइट टू फ्रीडम, आपके पास अधिकार है बोलने का, स्पीच का अधिकार है आपके पास, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो. बट अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट गिव्स अ सर्टेन इंफॉर्मेशन, हम उनसे पूछेंगे कैसे? अगर गवर्नमेंट ने हमें यह नहीं बताया कि आपका ये पैसा कहां यूज हुआ, आपने जो टैक्सेस पे किए वो पैसा कहां यूज हुआ, हमारे टेंडर कितने रुपए में, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट जहां से अक्वायर कर रही है कोई भी चीज वो कितने पैसे में कर रही है, व्हाट इज द अमाउंट दे आर इनकरिंग टू परचेज द गवर्नमेंट गुड्स. अंटिल एंड अनलेस वी आर गिवन विद द राइट टू नो, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप आंसर करेंगे कैसे? तो आर्टिकल 19 एंड 21 राइट ऑफ फ्रीडम आपका तो यूजलेस एंड वेस्टेज राइट था आपका, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं. विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और बेस आप कैसे किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं? राइट. सो इस वजह से टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज आपको राइट है पब्लिक अथॉरिटी से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन रिपोर्ट बना के आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं. दैट राइट इज अवेलेबल. सो ऑफ कोर्स यू हैव अ नॉलेज अबाउट द थिंग्स, यू कैन आस्क द पब्लिक अथॉरिटीज अबाउट द इंफॉर्मेशन. सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से इंडिया में क्या बेनिफिट हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन हैज गिवन राइट्स टू द सिटीजन. सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं बस बेसिक ओरली आपको थोड़ा समझाता हूं. Right to information has given rights to the citizen of India only. Under this word important over here is citizen of India only. Only the Indian citizen has this right. Right to information has given rights only to the citizen of India to obtain information from public authorities. Even if you wish, you can write also, since you don't have any notes right now. So आप इस चीज को लिखना चाहें जो बीच बीच में notes बनाते रहिएगा. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने क्या किया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने सिटीजन को राइट दिया, अधिकार दिया कि वो पब्लिक अथॉरिटी, ओनली पब्लिक अथॉरिटी से पब्लिक इंफॉर्मेशन जान सकता है. इससे होगा क्या? सर, गवर्नमेंट हैज गिवन यू अ राइट टू फ्रीडम. गवर्नमेंट ने आपको फ्रीडम बोल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, राइट ऑफ स्पीच दिया आपको.
बट सी पब्लिक डोंट हैव डेटा, आपके पास इंफॉर्मेशन है नहीं प्रॉपर. इफ यू डोंट हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस राइट, आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे गवर्नमेंट से. इस चीज के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए एक्ट इंट्रोड्यूस की गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सो दैट यू कैन आस्क टू द गवर्नमेंट सर वेयर इज माई हार्ड अर्न मनी, कहां पर आपने उस पैसे को यूज किया है. एंड यू कैन मेक द ओपिनियन, ओपिनियन बना के गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज. क्लियर? Okay, let's understand. So, right to information है, इंडिया में आया कब, वर्ल्ड में कब आया, हम वो चीज थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं. सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हमें लगता है कि बहुत ही नया एक्ट है, लेट मी टेल यू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. स्वीडन एक कंट्री है हमारी, स्वीडन कंट्री के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1776 में आ गया था, 1776 के अंदर स्वीडन के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुका था. हम तो 2005 में लेके आए हैं, थोड़ा सा लेट है हम. फिर भी इंडिया के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब इंडिया में आया था तो हमें यह चीज पता है कि इंडिया में 2005 में आया था. बट इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को 2005 से पहले एप्लीकेबल अपने स्टेट में कर चुके थे. वो कौन कौन से स्टेट है, लेट मी टेल यू अबाउट दो स्टेट्स. नंबर वन सर तमिलनाडु. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, एग्जाम के लिए इस चीज को आप लिख सकते हैं वहां पे ध्यान से. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिवली एप्लीकेबल, जिसने किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द ईयर 1997. यस सर, 1997 में तमिलनाडु ने फर्स्ट टाइम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया था. इनफैक्ट गोवा ने भी 1997 में ही कर दिया था, बट तमिलनाडु ने पहले किया था, तो फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु ही है आज भी. एंड आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ स्टेट केम लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका. 2000 के अंदर राजस्थान ने किया सबसे पहले, देन महाराष्ट्र ने किया, देन कर्नाटका ने किया, और हमारा जो एक स्टेट है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी, नॉट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के अंदर ये आया था 2001 के अंदर एप्लीकेबल कर दिया गया था. बट सर अगर हम कंप्लीट इंडिया की बात करते हैं तो कंप्लीट इंडिया के अंदर ये इफेक्टिवली एप्लीकेबल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हुआ था 12th of May 2005. सर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया के अंदर 11th मई 2005 को लोकसभा के अंदर हमारा ये बिल पास हो गया था, एंड 12th मई 2005 को राज्यसभा के अंदर आपका ये बिल पास हो चुका था. सो 2005 के अंदर मे के अंदर कंप्लीटली इंडिया के अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था. इज दैट क्लियर? नाउ इज आई होप एवरीथिंग व्हाट एवर सेड इज क्लियर टू यू. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की नीड क्या है ये आपको समझ आ गई कि क्यों नीड पड़ती है. सर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां पर कि सर मैंने 80% लेके आया, और वहां पर 70% वाले बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं, तो यू कैन आस्क टू द यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है कि सर आप हमें एडमिशन का क्राइटेरिया दिखाइए, किस तरीके से आपने बच्चों के एडमिशन लिए हैं, मुझे वो चीज जाननी जरूरी है. सो आपको पता चलेगा अगर कोई डोनेशन या रिश्वत लेके कोई बच्चा एडमिशन लेता है. इफ यू वॉन्ट टू नो योर पासपोर्ट स्टेटस क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, राशन कार्ड स्टेटस ये क्यों नहीं आपको क्लियरिटी मिलती है कि क्यों मेरा राशन कार्ड अटका हुआ है, एक्सेट्रा थिंग. आप पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन ओनली पब्लिक अथॉरिटी से जाके गवर्नमेंट से ले सकते हो. अब इसमें कुछ जो वर्ड्स है पब्लिक अथॉरिटी एंड एक्सेट्रा, जी हम थोड़ी देर में अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या वर्ड्स है. इज दैट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं. अगर आपको ये समझ आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, अधिकार है सिटीजन का गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज से उनके इन्फॉर्मेशन जानने का, जिसके ऊपर आप कॉमेंट कर सको. नाउ अगला सवाल आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल किधर है. इट इज एप्लीकेबल टू इंडिया, 12th May 2005 से इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुई. बट सर क्वेश्चन इज इन इंडिया वेयर इट इज एप्लीकेबल. सर इंडिया के अंदर इट इज एप्लीकेबल टू एवरी स्टेट, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट एज ऑलवेज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होती है. जम्मू कश्मीर में आज भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. ओके, सो हम ये एक्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. अभी मैं आपको थोड़े से नोट्स एक्सेट्रा इस एक्ट के बताता हूँ किस तरीके से आपको ये एक्ट करनी है. क्योंकि हमारे पास नोट्स नहीं है, आपके पास अभी हैंड रिटन नोट्स नहीं है या बुक नहीं है, तो थोड़ी सी आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हम स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज एप्लीकेबल. सबसे पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिया
एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर एप्लीकेबल नहीं है ये। सेकंड पॉइंट सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब भी गवर्नमेंट लेके आती है, जब भी गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आई थी तो गवर्नमेंट ने हमें जिस जिस डिपार्टमेंट पे, कंपनियों पे, मिनिस्ट्रीज पे एप्लीकेबल किया, जहां पर भी गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा वक्त दिया, टाइम दिया कि टुडे इट इज इफेक्टिवली एप्लीकेबल, आप अपने सिस्टम के अंदर भी इसको अकोमोडेट कर लीजिए। इसके लिए उनको 120 डेज का टाइम दिया कि आज एक्ट आई है बट आप, और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल आज से है, बट वी विल गिव यू 120 डेज ग्रेस टाइम सो दैट आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, और जब भी आपसे पब्लिक में से सिटीजन कोई मांगने है तो आप उस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली प्रोवाइड कर पाओ। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा इसका मैं। फॉर एग्जांपल सर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आज भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। हम अज्यूम करते हैं 1st 2019 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू की और गवर्नमेंट ने बोला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स आल्सो। तो किस दिन ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी? नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है ये 1/1/2019 को। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गवर्नमेंट विल गिव 120 डेज ग्रेस टाइम, 120 दिन का वक्त दिया जाएगा हर एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को कि आप अपना डेटा कलेक्ट कर लीजिए। तो कितना हो गया सर? ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए ये। सो जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल। सर वैसे डेज में काउंट करना है, फेब अगर आपका लीप ईयर है या नहीं है उस हिसाब से आपको देखना है। तो एग्जैक्टली इसके 4 महीने, दैट इज 120 डेज आपको एग्जाम में लिखना है, 120 दिन बाद इसके ऊपर एप्लीकेबल ये हो जाएगा। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल आप फ्री है, समवेयर इन द मे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, 120 दिन काउंट कर लीजिएगा, उस दिन से आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन ये मांग सकता है। क्लियर? दो डेफिनेशन आपको समझ आ गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एंड जब भी ये एप्लीकेबल होगा किसी भी कंपनी, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन पे, तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के 120 दिन बाद उसको इंफॉर्मेशन सर्व करनी पब्लिक को पड़ेगी। सर थर्ड पॉइंट आता है, दैट डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा PIO, दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ओवर हियर सर? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव टू अपॉइंट वन पर्सन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिसर आप सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दैट मींस अगर प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाती है तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर, इस प्राइवेट कोचिंग सेंटर में एक ऑफिसर मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और वो ऑफिसर काम क्या करेगा? वो पब्लिक को, सिटीजन को जब भी मेरे कोचिंग सेंटर की कोई इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो उनको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर ये एक्ट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पे एप्लीकेबल हुई, पासपोर्ट ऑफिस पे एप्लीकेबल हुई, तो पासपोर्ट ऑफिस ने एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जो पब्लिक के साथ डील करेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट के काफी डिमांड में रहते हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है काम का, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है, ऑप्शनल है उनके लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहता है तो दे कैन डू सो, दैट इज देयर चॉइस। तो आई थिंक तीन इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई है। एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एप्लीकेबल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 120 डेज, 120 दिन के बाद में ही एप्लीकेबल होता है। एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का मतलब है वो ऑफिसर जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन डिमांड करने पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्ट प्रॉपर्ली। हम एक्ट को स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि सर अगर किसी को इस एक्ट के अंदर, अगर किसी भी पर्सन को इस एक्ट के अंदर
इंफॉर्मेशन लेनी है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से लेगा, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझाता हूं, वो आप समझिएगा। इज इट क्लियर? तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो कि किस तरीके के प्रोसेस क्या, इनफैक्ट आपके रियल लाइफ में भी ये काम आएगा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में इंफॉर्मेशन लेनी है तो कैसे मिलेगी। देखिए कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सर यू आर अ पर्सन, दैट इज इंफॉर्मेशन खाली सिटीजन ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आप एक इंडियन सिटीजन है, सिटीजन विल मेक द सिटीजन विल सेंड द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सिटीजन किसको देगा, अभी हमने डिस्कस किया कि सारी की सारी एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, पीआईओ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पीआईओ को आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन देनी है। ना एप्लीकेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है यहां पर, स्पेसिफिकेशन क्या है, तीन स्पेसिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लैंग्वेज, सर एप्लीकेशन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। एप्लीकेशन की लैंग्वेज होगी इंग्लिश, हिंदी और लोकल। आप इन तीनों में से किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी भी लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। नंबर टू फीस, सर यस यू हैव टू पे सम फीस। आपको एक नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी, बट अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है इन दैट केस आपके ऊपर कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं होगी, बट आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इसके लिए कि सर आई एम बिलो पॉवर्टी लाइन। इस सर्टिफिकेट देने के बाद आपके ऊपर कोई भी फीस इस टाइप की नहीं लगेगी। इज दैट क्लियर? ओके। एंड थर्ड एप्लीकेशन के साथ स्पेसिफिकेशन आती है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सर आपको कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन इतनी ही दीजिए कि आप सिटीजन है, प्लस वो आपको रिप्लाई कर सके इतना आपको उसको एड्रेस या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दैट इज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कितनी देनी है, जस्ट सो दैट PIO कैन रिप्लाई द इंफॉर्मेशन। PIO आपको इंफॉर्मेशन का रिप्लाई दे सके एंड प्लस आपको जज कर सके कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो ये तीन चीजें इस एप्लीकेशन में स्पेसिफिकेशन होती है। आई होप इट इज क्लियर। सिटीजन एप्लीकेशन देगा PIO को और ये एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन। लर्न हुआ इतना? आगे सर PIO को आपने एप्लीकेशन तो दे दी, अब PIO को रिप्लाई करना है। PIO आपको रिप्लाई करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड PIO रिप्लाई किस तरीके से करेगा। आपको PIO आपको जो रिप्लाई करेगा वो कितने ड्यूरेशन में उसको करना पड़ेगा। PIO मस्ट रिप्लाई विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। PIO को 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं थोड़ा क्लीन करके बनाता हूं इसको। सिटीजन विल मेक द एप्लीकेशन टू PIO एंड PIO को इसका ये रिप्लाई कितने दिन में देना है, 30 डेज। If there are normal circumstances, अगर circumstances normal है, PIO को ये reply कितने दिन में देना पड़ेगा, PIO must reply within 30 days about this. Next आता है, sir, अगर आपने application गलती से assistant PIO को दे दी या फिर उस organization के अंदर assistant PIO ही application receive करता, in that case reply कितने दिन में आएगा। If you have given the application to assistant PIO, in that case this reply will be within 35 days. 5 din assistant PIO ko extra given hai. The reply shall be given by the assistant PIO within a period of 35 days. Jo bhi aapne information mangi hai 35 dino mein aapko de di jayegi. But sir, agar aapne jo information mangi hai
चाहे आपने असिस्टेंट से मांगी हो, चाहे पीआईओ से डायरेक्ट मांगी हो, इफ दैट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, अगर ये चीज लाइफ और लिबर्टी का क्वेश्चन डिसाइड करने वाली है, तो रिप्लाई आ जाना चाहिए 48 आवर्स के अंदर अंदर। रिप्लाई कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 48 आवर्स के अंदर अंदर ये रिप्लाई आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन इसका आता है, सर इफ आई हैव आस्क्ड द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू सम थर्ड पार्टी, मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है जो कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, मेरी डायरेक्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, मुझे चाहिए मिस्टर एक्स की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल्स की डिटेल्स, ये रिटर्न फाइल की डिटेल्स कितने दिन में आ जानी चाहिए? सर 40 डेज के अंदर अंदर। इफ इट इज सब्जेक्टिव, इफ द थर्ड पार्टी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग एंड पीआईओ फील दैट यस द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, तो आपको 40 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करेगा। सर अगर रिप्लाई या तो हां करें या रिजेक्शन करना है, वो टाइम ड्यूरेशन उनके पास 40 डेज है कि 40 डेज के अंदर अंदर आपको हां या ना इस इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड पार्टी को करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका। इफ यू आर गिवन इंफॉर्मेशन, इफ द सिटीजन हैज गिवन इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेशन टू पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ, देन असिस्टेंट पीआईओ और पीआईओ शैल रिप्लाई यू विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज इन द नॉर्मल केस। इफ द एप्लीकेशन इज टू असिस्टेंट पीआईओ देन द टाइम पीरियड इज 35 डेज, बट इफ द एप्लीकेशन इज फॉर लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी पर्सन की फांसी की सजा एक्सेट्रा लाइफ एंड लिबर्टी की सवाल है, तो ये रिप्लाई आ जाना चाहिए कितने दिनों में? 48 आवर्स के अंदर अंदर। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी थर्ड पार्टी, तो इंफॉर्मेशन कितने दिन में आ जानी चाहिए? 40 डेज के अंदर अंदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, फुल स्टॉप। ये आई थिंक समझ आ गया, दिस वॉज वन पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्लियर? अब मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं क्या सीखा हमने। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का बेसिक हिस्ट्री सीखी हमने, कब आया था, फिर ये एप्लीकेबल कहाँ है, दिस इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कितने दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है 120 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद। इसके अंदर एक पीआईओ होता है, पीआईओ का काम क्या है, पीआईओ का काम है सिटीजन्स को पीआईओ का काम है कि उनकी हेल्प करना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग एप्लीकेशन, अगर आप सिटीजन है एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन के तीन जो स्पेशल पॉइंट्स है वो कहते हैं, सर लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी या लोकल, फीस आपको नहीं देनी है, बट अगर आप बीपीएल है तो फीस नहीं देनी, और आपको इन्फॉर्मेशन उतनी देनी है सो दैट आपका कॉन्टैक्ट किया जा सके, क्लियर? फिर आपने ये पढ़ा कितने दिनों के अंदर देनी है, 30, 35, 40 एंड 48 आवर्स के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। इस पर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, फिर आता है सर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन व्हाट क्राइटेरिया, किस सेंस में, मतलब आप डॉक्यूमेंट में ले, मेटल सैंपल, क्या ले सकते हैं आप इंफॉर्मेशन में? सर आप जो है इंफॉर्मेशन कौन सी वाली ले सकते हैं, आप ले सकते हैं खाली पब्लिक इंफॉर्मेशन, दैट टू ओनली फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। सर दैट इज, आर यू ट्राइंग टू से दैट इफ आई वॉन्ट टू नो वट इज द अमाउंट यू आर इनकरिंग टू परचेज योर राशन, आप घर की ग्रॉसरी खरीदने में कितना सामान, कितना पैसा लगाते हैं, कैन आई टेक दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो? आई कैन टेक दैट इन्फॉर्मेशन, रीजन बी दैट्स अ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे अगर पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे एक ही चीज अलाउड है, वो है मैं पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता हूं, मुझे इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट आई कैन टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, बट ओनली फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूं मैं खाली, मैं ले सकता हूं ओनली एंड ओनली द इन्फॉर्मेशन विच इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मैं प्राइवेट पार्टीज की इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास पड़ी है वो भी ले सकता हूं, बट प्राइवेट पार्टी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता हूं मैं। इन्फॉर्मेशन किससे? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी कौन है? पब्लिक अथॉरिटी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है या स्टेट
गवर्नमेंट ने बनाई है या किसी भी गवर्नमेंट ने मिलके नोटिफिकेशन से इस अथॉरिटी को बना दिया. फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी, आईसीएसआई अपना, और सीएस इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज है. नाउ सवाल आता है कि मुझे किसी पब्लिक अथॉरिटी से अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता हूं? कैन आई टेक ईमेल? यस यू कैन. डॉक्यूमेंट फॉर्म में? यस यू कैन. मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हो आप, फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो. एंड अगर आप कहते हो मुझे कोई सैंपल चाहिए, यस सर, आप सैंपल भी वहां से इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं. किस तरीके से आप इन चीजों को ले सकते हैं सर? आप इन चीजों में क्या क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हो कोई भी प्रेस ऑर्डर, कोई भी प्रेस का ऑर्डर ले सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड उनसे आप मांग सकते हो, कोई भी मेमोज जो है उनके वो मांग सकते हो. अगर कोई ओपिनियन है किसी का वो ले सकते हो, किसी की क्वालिफिकेशन किसी पब्लिक ऑफिसर की जानना चाहते हो आप वो जान सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, रिपोर्ट्स, पेपर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक अथॉरिटी से जान सकते हैं. इनके लिए आप किस किस तरीके से ले सकते हो सर? आप ईमेल ले लीजिए, डॉक्यूमेंट में ले लीजिए, सैंपल ले लीजिए, सीडी, डीवीडी, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. बट सर देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैनॉट डू. इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते. दैट इज बट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जम्प्टेड. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट है, इस एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है सर? वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आपके एटॉमिक एनर्जी के ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, देश के, हमारे देश के इंटेलिजेंट ब्यूरोज एक्सेट्रा, जो सर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के दायरे में नहीं आते. आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, बिकॉज वो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम कर, इसलिए आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हो. आई होप इट इज क्लियर. बट सर आप एक तो इनसे कोई इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हो, एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट आ गया समझ, दिस देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर एग्जम्प्टेड, दैट इज ये ऑर्गेनाइजेशन आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. एंड सर्टेन सर्टेन organizations are even included in Right to Information Act 2005, but still आप ये organization इस act में covered है, but still they are exempt to provide certain informations. जबकि organizations इस एक्ट के दायरे में आते हैं, बट स्टिल वो exempted है कुछ इंफॉर्मेशन देने से, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज से exempt है. किस टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो exempt है सर? those information, such information which can lead to encourage offenses. ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि ऑफेंसेस शायद इंडिया में बढ़ जाएं, या फिर इंफॉर्मेशन लाइक कैबिनेट पेपर. सर कैबिनेट ने कोई कानून बनाया है, कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है और आप कहते हो मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट दिस इंफॉर्मेशन बी पब्लिक फर्स्ट. कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कब हम कैबिनेट ने जो भी हो आपने
इंफॉर्मेशन कैबिनेट जो डिसीजंस लिए वो आप जानने में समर्थ नहीं है, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कभी भी, ठीक है। सो कुछ इवन दो दैट मिनिस्ट्री माइट बी इंक्लूडेड एंड कवर्ड अंडर दिस एक्ट, बट स्टिल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, इवन वो उसके लिए लायबल नहीं है, जिससे कि ऑफेंसेस बढ़ जाए इंडिया में। इंफॉर्मेशन जैसे कैबिनेट के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सर यू माइट आस्क कि न्यूक्लियर कहां रखा हुआ, परमाणु बम कहां रखा हुआ, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी विद एनी फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री के साथ इंडियन गवर्नमेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। मैं एक बार जल्दी से बताता हूं आपको, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है एप्लीकेशन देके, एप्लीकेशन के तीन पॉइंट, कितने दिनों में रिप्लाई आएगा, फिर इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो किससे, पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हो, पब्लिक अथॉरिटी दैट अथॉरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या उनके किसी भी नोटिफिकेशन से। इंफॉर्मेशन जो आपको यहां लेनी है पब्लिक अथॉरिटी से वो किस फॉर्म में ले सकते हो, आप ईमेल, डॉक्यूमेंट, सैंपल, डीडी, सीडी, डीवीडी, किसी भी तरीके से लीजिए। आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो सर, यू कैन टेक प्रेस रिलीज, रिकॉर्ड, मेमो, ओपिनियंस किसी के, क्वालिफिकेशन किसी की, पर्सन की, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स, इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट सर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सच एज बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंट ब्यूरोज एक्सेट्रा। बट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन दो इवन दे आर इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट बट स्टिल उनको कुछ टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सक्लूडेड है, उनको वो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, जिससे कि ऑफेंसेस बढ़े, जिससे कैबिनेट पेपर्स, इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फॉरेन कंट्री के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? बट सर आपको ये कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है एक सिचुएशन में, दे इवन हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन only if that is related to only if that is related to only if that information is related to human rights or करप्शन। अगर कोई इंफॉर्मेशन ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई है या करप्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, अगर ह्यूमन राइट्स है या करप्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड ये इंफॉर्मेशन कितने दिनों के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको विद इन 45 days जब आपसे मांगा जाएगा तो देनी पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। दैट इज अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है एग्जम्प्टेड एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन से भी देनी पड़ेगी, दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स और करप्शन, 45 days में आपको देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, किसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक्सक्लूडेड वाले को भी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन यू कैन डू इट, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर आपके एक्ट में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक का लर्न हो गया आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया कब था, किस लिए आया था, नीड क्या थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंडिया में आ चुका था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की नीड थी सो दैट देयर इज अ प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर, इसलिए आया था। एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 120 days का टाइम दिया जाता है एप्लीकेबिलिटी से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ पीआईओ, एप्लीकेशन लेनी है तो पीआईओ को आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी हिंदी, इंग्लिश और एनी लोकल लैंग्वेज में। फीस
यू हैव टू पे बीपीएल, नो फीस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको रिप्लाई 30 डेज में आएगा नॉर्मल केस में, असिस्टेंट पीआईओ आपको 35 डेज में देगा। लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है अगर किसी का तो 48 आवर्स में दिया जाएगा। थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मांगी है तो विद द अप्रूवल ऑफ थर्ड पार्टी एंड पीआईओ सेटिस्फेक्शन सच इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 40 डेज। बट अगर क्वेश्चन है आपका ह्यूमन राइट्स एंड करप्शन का और एक्सक्लूडेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिया तो वो रिप्लाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद 45 डेज में देना पड़ेगा। क्लियर, इसको नोट डाउन करो जल्दी से फास्ट। ओके सर, आई थिंक यहां तक आपको लर्न हो गया है, इसके आगे करते हैं। नाउ यहां तक हमने सीखा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है और उनके रिप्लाई का क्या प्रोसेस है। अब हम सीखेंगे अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, अगर गवर्नमेंट ने उनको ओपन छोड़ देती तो वो शायद रिप्लाई कभी भी नहीं करते पीआईओ, बट गवर्नमेंट ने बोला कि आपसे भी ऊपर एक अथॉरिटी है, इफ यू विल नॉट रिप्लाई आप दैट इज सिटीजन उनको अप्लाई कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया कमीशन, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस अथॉरिटी का नाम दिया गवर्नमेंट ने, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टॉपिक। गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ इंफॉर्मेशन कमीशन, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया। गवर्नमेंट ने किसको कॉन्स्टिट्यूट किया? इंफॉर्मेशन कमीशन को। अंडर दिस व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको प्रॉब्लम है आप इनको इन्फॉर्मेशन कीजिए, आप इनको अपील कीजिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम द पीआईओ पहले सीनियर के पास जाइए और उसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन कमीशन के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको आप अपील कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन कमीशन के राइट्स किसके हाथ में दिए? ये है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, रीजन मीन थोड़ी देर में ये कंफ्यूज हो जाओगे, रीजन यहां पर कमीशन नाम बार बार आएगा तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा जरूर साथ में। गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इंफॉर्मेशन कमीशन नेम ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेपरेट बॉडीज, गवर्नमेंट ने उसके अंदर दो सेपरेट बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जिसमें एक बॉडी जिसके अंदर नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और दूसरी का नाम है स्टेट इंफॉर्मेशन। इनको ध्यान से जरूर लिखिएगा, ये एक भूलने वाली चीजें हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके दो विंग्स हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सर ये किसने कॉन्स्टिट्यूट किया? This is constituted by central government. ये central government ने constitute किया है, whereas this has been constituted by state government. ये किसने constitute किया? ये constitute किया है state government. Is that clear? इंफॉर्मेशन कमीशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का हेड है, इसके अंदर दो विंग बने हुए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीआईसी और इसको एसआईसी शॉर्ट में बोला जाता है। यह कॉन्स्टिट्यूट किसने किया? ये कॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यह कॉन्स्टिट्यूट किया है हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने। सर हु आर द पर्सन सिटिंग ओवर हियर, एग्जाम का क्वेश्चन, What is the composition of information commission? तो आपको ये पूरा फ्लोचार्ट बना के आना है उसके अंदर। सर इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? लेट मी डिस्कस द कॉम्पोजिशन विद यू। सर यहां पर एक होता है चीफ जो हेड है यहां का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन
कमिश्नर्स भी होते हैं। मैक्सिमम 10। सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कितने होंगे यहां पर? मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ कि कौन कौन यहां पर होगा। यहां पर इंफॉर्मेशन कमीशन का एक विंग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसके अंदर बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहां पर कौन कौन बैठा है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैक्सिमम 10 होंगे यहां पर। क्लियर? सिमिलरली अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी कौन बैठा है? यहां पर भी एक चीफ बैठा है, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वो कितने होंगे यहां पर? एक, वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अनदर विल बी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे यहां पर सेंट्रल है ना, तो ऑफ कोर्स यहां पर क्या होगा? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये मैक्सिमम कितने होंगे? 10 मैक्सिमम। इज इट क्लियर? ये आप ड्रॉ करते रहिएगा साथ में, बाद में लर्न हो जाएगा आपको ये। अच्छा, नाउ क्वेश्चन कम, हु अपॉइंट्स देम? इनको अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है? सर, इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट अकेला नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट एक रिकमेंडेशन लेता है, प्रेसिडेंट एक सजेशन लेता है। प्रेसिडेंट किससे सजेशन लेता है? एक कमेटी से लेता है। एक कमेटी से प्रेसिडेंट सजेशन लेता है। इस कमेटी के अंदर यहां पर कौन बैठा है? लेट मी डिस्कस दैट विद यू। इस कमेटी के अंदर कौन कौन बैठा है? सर, इस कमेटी का हेड जिसको बोला जाता है चेयरमैन, इस कमेटी का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबसे पहला। फिर इसके बाद में यहां पर ऑपोजिशन लोकसभा का एक लीडर बैठा है, ऑपोजिशन लोकसभा का लीडर। एंड थर्ड इज यूनियन, मतलब सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी एक, एनीवन। तो ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जाता है। एक बार फिर से जल्दी से बताता हूं, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लुक आफ्टर करने के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल सेंट्रल लेवल पे देखेगा और स्टेट स्टेट लेवल पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने। यहां पर एक चीफ इंफॉर्मेशन और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन 10 होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट करता है फाइनल प्रेसिडेंट, बट एक रिकमेंडेशन लेता है वो पहले एक कमेटी से, जिस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में ऑपोजिट पार्टी का एक लीडर एंड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट्स होती है उनका एक मिनिस्टर होता है कोई भी, और इस कमेटी का जो हेड होता है, वो चेयरपर्सन होता है, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये इसके कहने पर इसको अपॉइंट किया जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं स्टेट की, कि स्टेट के केस में कौन अपॉइंट करता है, स्टेट की बात करें अगर, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट करता है गवर्नर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको आप। इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। ऑफ कोर्स गवर्नर एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे करता है, यहां पर भी एक कमेटी है। ये कमेटी में कौन बैठा है? यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो तो क्या होगा यहां का चेयरमैन। उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ कमिश्नर यहां का चेयरमैन होगा, नंबर वन। नंबर टू, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सर, स्टेट असेंबली का जो ऑपोजिशन का लीडर है, एक वो आएगा और एक कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट का, जो वन कैबिनेट मिनिस्टर, ये लोग मिलकर करते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ये आई नो आई एम रिपीटिंग अगेन।
स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10, फिर उसके बाद में इनको अपॉइंट करता है इस स्टेट वाले को गवर्नर, गवर्नर विद द रिकमेंडेशन और सजेशन ऑफ अ कमेटी विच कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लाइक हु इज द चेयरमैन, एंड देन उसी कमेटी के अंदर एक आदमी होगा स्टेट असेंबली ऑपोजिट पार्टी का लीडर, और स्टेट के अंदर जो ऑपोजिट पार्टी है उसका लीडर होगा, और एक यूनियन का और एक स्टेट की यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर होगा वहां पर. इज दैट क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, सारा का सारा नोट डाउन इसको कर सकते हो आप. आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम. लेट्स स्टडी अगेन. ओके सर, नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर अगर इनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी. देखिए इनमें सबकी क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं तो दे ऑल शुड बी पर्सन ऑफ प्रॉपर रेपुटेशन. उनकी एक समाज में, उनकी एक मार्केट के अंदर, उनकी पब्लिक के अंदर एक अच्छी इमेज होनी चाहिए. दे शुड हैव अ गुड इमेज, दे शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से स्टेट और यूनियन उसके कोई भी मेंबर नहीं होने चाहिए. पार्लियामेंट, स्टेट और यूनियन का मेंबर नहीं आ सकता है यहां पे. यू शुड नॉट बी कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ना हो, ना ही आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन आपको नहीं करना. दैट इज आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, इकोनॉमी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन, वो प्रिस्क्राइब नहीं है. पार्लियामेंट में स्टेट या यूनियन का आप कोई मेंबर ना हो, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ना हो, और आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते होना चाहिए आपको. ये सारी चीजें होने के बाद अब आता है योग्य क्वालिफिकेशन. नाउ व्हाट विल बी देयर रेम्यूनरेशन या इनकी सैलरी की बात करें अगर, तो सर जो चीफ की सैलरी हमेशा इक्वल होती है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के बराबर, और जब हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं उसकी सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर. मतलब जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है उसका जो चीफ है, उनके जो चीफ है उसके बराबर होगी यहां पर चीफ की सैलरी. जो चीफ है दोनों तरफ, चीफ की जो सैलरी होगी इस चीफ की या इन चीफ की, ये इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी जो होगी वो होगी नॉर्मल इलेक्शन ऑफिसर्स के बराबर, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर. तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपील्स का. अब हमारे पास अथॉरिटी आ गई है, नाउ वी आर डन विद द अथॉरिटी. व्हाट इज द अथॉरिटी टू लुक आफ्टर सच ऑर्गेनाइजेशन, ये हो चुका है. एक मैं जल्दी से पूरी एक्ट को फिर से रिपीट करता हूँ. आई नो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है बार बार, बट एक्ट को अच्छे से लर्न हो जाएगी इसमें. आई विल शो यू की वीडियो के बाद में आपको पूरी एक्ट टिप्स पे हो जाएगी. देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंडिया में आया था, उससे पहले दो इंडिया में आ चुका था, हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी. अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें इंडिया के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन आने का पर्पस था सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो उनके काम के लिए, हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है उस चीज के लिए, राइट. फिर आया दिस इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किधर भी एप्लीकेबल करना, आपको 120 डेज का टाइम देना पड़ेगा. एप्लीकेशन देने के लिए आपको लोकल हिंदी या लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं आप गवर्नमेंट को. रिप्लाई 30 डेज में, 35 डेज में, 40 डेज, 45 डेज और 48 आवर्स के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस रिप्लाई आएगा. रिप्लाई नहीं देने पर यहां पर जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसका नाम है इंफॉर्मेशन कमीशन. इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन दो पार्ट में है, सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया. यहां पर जो कॉम्बिनेशन है, दैट कॉम्बिनेशन इज टॉकिंग अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट दोनों की तरफ है, और सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दे बोथ साइड दे आर अपॉइंटेड बाय वन साइड सेंट्रल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कमेटी में, और स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता है इस कमेटी के थ्रू. हु
आर दीस पीपल, इनकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ना हो या कोई बिजनेसमैन नहीं होनी चाहिए। इनकी सैलरी किसके इक्वल होती है? देयर सैलरी इज ऑलवेज, चीफ की सैलरी होती है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट, अगली हेडिंग आती है आपकी अपील्स। अपील सर, अगर हम अपील की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट कम्स की अगर आपको अपील करनी है, आपका पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, देन वेयर कैन यू अपील फॉर दैट थिंग? दैट इज फर्स्ट अपील। वेयर कैन यू गो फॉर फर्स्ट अपील? पहली अपील आप कहां करेंगे? देखिए, फर्स्ट अपील शैल बी मेड बाय दैट इज अ ग्रीव्ड पर्सन। सर जनरली अग्रीव्ड पर्सन सिटीजन होगा इस केस के अंदर, जनरली यहां पर सिटीजन अग्रीव्ड पर्सन होता है क्योंकि पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसलिए आप अग्रीव्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? सो अग्रीव्ड पर्सन यहां पर आपको एक एप्लीकेशन देगा, अपील करेगा, किसको करेगा? दैट अपील शैल बी मेड टू द ऑफिसर हु इज सीनियर टू PIO, मतलब उसी कंपनी के एग्जाम्पल में मैनेजमेंट को वो अपील करेगा। आई विल अप्लाई फर्स्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन कि आपका PIO मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये अपील कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? दैट इज टाइम लिमिट ऑफ दिस अपील इज विद इन 30 डेज। फर्स्ट अपील शैल बी मेड विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर ये अपील आपको करनी पड़ेगी। 30 डेज कब से? 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। सर जिस दिन आपके 30 डेज, जिस दिन आपके इंफॉर्मेशन मिलने का टाइम ड्यूरेशन जो था आपका वो फिनिश होता है, उस दिन आपको ये, उस दिन से 30 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सिचुएशन में 30 दिन में पीआईओ आपको हां या ना करे, तो अगर वो आपको 30 डेज में रिप्लाई नहीं करता है तो आपको अपील कर सकते हो। और अगर रिप्लाई करता है विदाउट एनी रीजन और जस्टिफाइड रीजन नहीं है उसके पास, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट रीजन, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो रिप्लाई के साथ, अगर रिप्लाई दिया बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टिल कैन स्टिल अप्लाई टू द सीनियर मेंबर, सीनियर ऑफिसर टू द PIO विद इन नेक्स्ट 30 डे। सर क्या आपको इस अपील में एक्सटेंशन मिल सकता है? यस, एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन कैन बी प्रोवाइडेड, ध्यान से, अगर आपका सीनियर जो है, ये मैनेजमेंट जो है यहां सेटिस्फाई हो जाता है, इफ द मैनेजमेंट इज सेटिस्फाइड देन ए कैन प्रोवाइड एक्सटेंशन ओवर देयर। यस अलाउड है आपको, इफ द मैनेजमेंट इज सेटिस्फाइड द रीजन यू कुड नॉट अप्लाई इन 30 डेज, देर वॉज अ सफिशियंट ग्राउंड फॉर दैट, एक सफिशियंट ग्राउंड था उसके लिए नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटेंशन दी जाती है यहां पर। डन। नाउ क्वेश्चन कम, इस पीआई, इस सीनियर ऑफिसर ऑफ पीआईओ को कितने दिनों के अंदर अंदर इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना है? सर दिस अपील शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब उसका सॉल्यूशन ग्रिवियांस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 30 डेज कब से? रिसीट से। जिस दिन आपको ये अपील मिली है सीनियर को, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको अगर एक्सटेंशन अलाउड है तो सीनियर को भी इसमें 30 डेज में एक एक्सटेंशन अलाउड होती है, वो होती है 15 डेज की। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फर्स्ट अपील को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम कितना है? 30 डेज। और अगर इन 30 डेज में ना कर पाए तो उसको भी अलाउड है 15 डेज का एक्सटेंशन। क्लियर? फिर आता है सर, यू आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड बाय द फर्स्ट अपील। आपने फर्स्ट अपील कहां की? आपने फर्स्ट अपील की है अग्रीव्ड पर्सन ने सीनियर ऑफिसर टू पीआईओ। जनरली अग्रीव्ड कौन होता है? सिटीजन होता है यहां पर पीआईओ को।
कितने दिनों के, विद इन द टाइम ड्यूरेशन 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ड्यूरेशन करनी है, जिसमें एक्सटेंशन भी आपको अलाउड है। एक्सटेंशन कितनी अलाउड है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, कंप्लीटली उनकी सोल डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्पोजल टाइम, आपको ये अपील डिस्पोज ऑफ करने का टाइम, सीनियर ऑफिसर रैंक शुड डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द रिसीट, और उनको भी 15 डेज का एक एक्सटेंशन अलाउड है। अगर आप यहां पे इनके जो ऑर्डर आया इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर, या फिर आपके फेवर में आया और पीआईओ सेटिस्फाइड नहीं है इससे, दोनों हो सकते हैं इस केस में, मतलब सेकंड अपील। अब हम बात करते हैं सेकंड अपील की। सेकंड अपील इस केस में कौन करेगा? यहां पर भी अग्रीड पर्सन ही सेकंड अपील करेगा, बट अग्रीड पर्सन यहां पर दोनों हो सकते हैं, पीआईओ भी हो सकता है, शायद मैनेजमेंट ने उसके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, या फिर सिटीजन हो सकता है। जनरली यहां पर भी सिटीजन, जनरली सिटीजन होता है यहां पर, बट ठीक है। ये अपील किसको करनी है आपको? दिस अपील शैल बी मेड, दिस अपील शैल बी मेड, दिस अपील शैल बी मेड टू सीआईसी या फिर एसआईसी। ये कौन है? हमने अभी पढ़ा था सीआईसी और एसआईसी कौन होते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले सीआईसी और एसआईसी के बारे में पढ़ा। दिस इज योर सीआईसी एंड दिस इज योर एसआईसी शॉर्ट फॉर्म। आप इनमें डिपेंड करता है कौन सी अथॉरिटी से, कौन सी कंपनी है, उसके ऊपर आप अपील कीजिए। तो सेकेंड अपील शैल बी मेड बाय द अग्रीड पर्सन टू द सीआईसी और एसआईसी। दिस अपील शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। आपको 90 डेज के अंदर अंदर अपील करनी है। 90 डेज कब से? फ्रॉम द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील। क्लियर? हां, यहां पर भी आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, टाइम के अंदर एक्सटेंशन इधर भी अलाउड है। कितनी? दैट इज अ सोल डिस्क्रिशन ऑफ सीआईसी और एसआईसी। किधर अप्लाई करेंगे? सीआईसी एसआईसी में डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। द कंपनी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट सीआईसी, कंपनी बिलोंग टू एनी स्टेट गवर्नमेंट यू हैव टू अप्लाई टू एसआईसी। क्लियर? तो दिस इज योर अपील डिपार्टमेंट। इनफैक्ट इनके पास डिस्पोजल का कोई टाइम सीआईसी और एसआईसी को नहीं दिया है, उनका जितना मन करे उतना टाइम वो ले सकते हैं। दिस इज योर राइट इंफॉर्मेशन एक्ट अपील। क्लियर? नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर व्हाट विल बी द पेनल्टी, व्हाट विल बी द पेनल्टी इफ इन केस पीआईओ डू नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम। पेनल्टी अगर पीआईओ आपको, पेनल्टी अगर पीआईओ आपको टाइम से इंफॉर्मेशन ना दे तो पेनल्टी कौन इंपोज करेगा उस पर? पीआईओ के ऊपर पेनल्टी इंपोज करने वाला ऑर्गेनाइज ऑफिसर है उसका नाम है सीआईसी या फिर एसआईसी। ये पीआईओ के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगेगी? मैक्सिमम सर 250 रुपीज, 250 रुपए की पेनल्टी। कितने दिन की? पर डे ऑफ डिले, पर डे ऑफ डिले की 250 रुपए की पेनल्टी लगेगी, बट इट कैन गो मैक्सिमम टू रुपीज 25,000, मैक्सिमम 25,000 रुपया तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगी। कब कब लग सकती है? सर इफ द पीआईओ डू नॉट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, ही इज डिलेइंग इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, ही हैज प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन बट नॉट द सफिशियंट इंफॉर्मेशन, malafide denying the information janbujh ke, knowingly giving incomplete information, or if he destroy the request of information, to is case, in sare cases ke andar aapko CICSIC ke upar penalty laga sakta hai. So I hope this chapter is understood by you. I have given full coverage of this chapter to you. I hope aapko ye acche se samajh aa gaya hai. अगर रिपीट करना है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको पूरा चैप्टर। ये एक्ट एप्लीकेबल है होल इंडिया पे, 2005 में आई थी।
इंडिया के अंदर 1997 में इंडिया में ऑलरेडी एंटर कर चुकी थी, कंप्लीट इंडिया में 2005 में अप्लाई हुआ था। इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 120 डेज का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एप्लीकेबल करने से पहले। एप्लीकेशन देने के लिए आपको सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन कैन अप्लाई टू PIO, असिस्टेंट PIO, एंड द एप्लीकेशन कैन बी मेड इन हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, इन तीनों में ही एप्लीकेशन हो सकती है। एंड एप्लीकेशन का फीस देनी पड़ेगी, BPL को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। रिप्लाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी दीजिए। रिप्लाई आएगा आपका 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, 45 डेज और 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देन देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्फॉर्मेशन कमीशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको डील करता है PIO या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एप्लीकेबिलिटी, इंप्लीमेंटेशन और उसके गवर्निंग पार है ये। इसके दो विंग्स है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यहां पर कुछ ऑफिसर है, चीफ एंड अदर, एंड चीफ एंड अदर इनको अपॉइंट करता है। सेंट्रल वाला प्रेसिडेंट विद अ कमेटी एंड स्टेट वाला गवर्नर विद अ कमेटी। Then comes appeal, the third topic of the chapter comes appeal. Appeal किस तरीके से की जाती है सर, ये हमने रिपीट नहीं किया, मैं अच्छे से कर देता हूं आपको ये। The first appeal shall be always made by the aggrieved person, generally a citizen होता है। This shall be made to the officer who is a senior rank to the PIO. Example, management को ये appeal आप करनी पड़ेगी, आपको ये appeal। Then after that, इस अपील को कितने दिनों के अंदर अंदर आपको ये अपील कितने दिनों में कर सकते हो। This appeal shall be made within 30 days from the expiry of the time, जितने दिनों में आपको अपील का जो टाइम था आपका, जो इंफॉर्मेशन मिलने का टाइम है आपका, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज आपका एक टाइम था या 35 डेज एक्सेट्रा, तो उतने उसकी एक्सपायरी के ऊपर आप इसको अपील कीजिए। एक्सटेंशन अलाउड है। डिस्पोज ऑफ मैनेजमेंट को 30 डेज में करनी पड़ेगी, उनको भी 15 डेज का एक एक्सटेंशन यहां पर अलाउड होता है। बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, यू कैन अप्लाई द सेकंड अपील, एंड सेकंड अपील शैल ऑलवेज बी मेड टू द CIC और SIC। CIC और SIC को करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द आंसर और डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपील, पहली अपील के आंसर के बाद आप इसको रिप्लाई करेंगे। डिस्पोज ऑफ करने का टाइम इनको कोई गिवन है नहीं, एंड देन पेनाल्टी। थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी